I welcome you all once again to this channel for Bhavi Education Hub. And in this video, we are going to start NCERT series, NCERT. In fact, I am going to cover the whole UPSC syllabus now, whole UPSC syllabus, one by one I will be covering. There is a systematic way I have planned. एक एक करके वीडियो आपको मिलती रहेगी. आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो से लास्ट तक देखना. आपको पूरा यूपीएससी का मैं कोर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, वो भी कम्प्लीटली फ्री. कम्प्लीटली फ्री मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ. नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है. तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर वन है. चैप्टर वन है किसका? छठी क्लास के हिस्ट्री का, जिसका नाम है आवर पास्ट. आवर पास्ट का ये पहला चैप्टर है. जो छठी क्लास की हिस्ट्री है हमारी, उसका मैं पहला चैप्टर कवर करूँ, ताकि आपका एनसीईआरटी से फाउंडेशन बन जाए. और मैंने हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, और साथ में इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की, इन तीनों की सीरीज मैंने ऑलरेडी बना रखी है. तो ये सीरीज एक कम्प्लीट प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा इसमें, तो आप इसको देख सकते हो. और प्लस मैं अब एनसीईआरटी के साथ होल सिलेबस में यूपीएससी का कवर करने वाला हूँ, ठीक है. चलिए पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. चैप्टर वन का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. अब चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यही सब इसमें आएगा. क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है. तो यही सब हम जानेंगे. तो यहाँ पे जब आप बुक देखोगे, तो पहला ही उसमें एक पिक्चर आता है एक लड़की का. उसमें वो रसीदा होती है, रसीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, ठीक है. और उस न्यूज़पेपर में उसने अचानक एक बेसिकली सेंटेंस देखा, 100 years ago. 100 years ago जब उसने देखा, तो सी वॉज नॉट श्योर कि ये कैसे, मतलब इस न्यूज़पेपर को कैसे पता है 100 years ago क्या हुआ था, कैसे इतने पुरानी बातों को याद रखा जा सकता है. इसके मन में ये डाउट आया. तो हेंस इस डाउट से ही हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, कि हमने कैसे अपने पास्ट को, उसके बारे में हम जानते हैं, सोर्सेस क्या है उनके, और ये चैप्टर उसी के बारे में है. तो पहला यहाँ पे रसीदा के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि 100 years ago उसने एक न्यूज़पेपर में देखा, और उसके दिमाग में ये बिल्कुल बात आई कि ये इतने पुरानी बात को कैसे याद रखा जा सकता है. कोई पूछ ले कि कल क्या हुआ था, तो आप बता सकते हो. 10 दिन पहले का भी याद हो सकता है आपको थोड़ा बहुत. 1 साल पहले का भी अगर आपके आसपास के लोग याद दिलाएं, तो आपको याद आ जाएगा. लेकिन 100 साल पहले की बात, ठीक है. अगेन, इस बेसिक क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. सो पुराने समय में लोग क्या खाते थे, व्हाट पीपल एट, व्हाट क्लॉथ्स दे यूज टू वियर, कैसे हाउस हुआ करते थे उनके, एंड कैसी वो लाइफ जिया करते थे. उनकी लाइफ हंटर की होती थी, हंटर गैदरर की होती थी, या फिर हर्डर थे जो कि झुंड में पशुपालन करते होंगे, या फार्मर्स रहे थे, या रूलर्स रहे थे, मर्चेंट्स रहे थे, प्रिस्ट रहे थे, क्राफ्ट पर्सन रहे थे, आर्टिस्ट रहे थे, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, ये सब क्या थे. इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको इस चैप्टर में, ठीक है. कौन सा साथ में गेम चिल्ड्रंस प्ले किया करते थे, स्टोरी कैसे सुनते थे, ये सब का आंसर मिलता है जब हम डीपली नॉलेज करते हैं अपनी हिस्ट्री को. तो पुरानी बातों में, बहुत बहुत साल पुरानी, इवन 4700 साल आज से, अगर मैं स्टार्टिंग 2000 को मानूं, 2000 से मैं मानूं और पीछे जाऊं यहाँ से, आज से मैं करेक्ट आज से 4700 साल पहले जाऊं, तब भी एक बहुत ही स्टैब्लिश सोसाइटी हुआ करती थी. एक नगरीय सभ्यता थी हमारे कंट्री में, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं. एनीवे, सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन ये छठी क्लास का है, तो मैं इसी के पर्सपेक्टिव से आपको बताता चलूंगा. आप ध्यान से सुनते चलो, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. तो लोग रहते कहाँ थे, वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ रहते थे लोग. तो देखो, एक मैप मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें नर्मदा आएगा. नर्मदा के आसपास लोग रहते थे. नर्मदा एक रिवर है, इसके बैंक, इसके किनारे रिवर होती है, ऐसे मान लो एक रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके बैंक कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसके बैंक. अब यही पे सब लोग रहते थे, इस नदी के आसपास, किनारों के आसपास लोग रहते थे पहले, ठीक है. पुराने समय की बात कर रहा हूँ, बहुत पुराने. सबसे पहले यहाँ पे लोग पाए गए नर्मदा के आसपास. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल स्किल्ड एंड गैदरर्स थे. स्किल्ड गैदरर्स मतलब कि वो लोग क्या करते थे, उनको डीप नॉलेज हुआ करता था फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में. वो रूट्स वगैरह इकट्ठा करते थे जिसको वो खाते थे, वो फ्रूट्स खाते थे, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जानते थे अच्छे तरीके से. उनको गैदर करके, मतलब इकट्ठा करके वो लोग खाते थे. कुछ लोग उस समय हंटिंग भी करते थे, एनिमल्स को मार के उसको फिर खाना
ये भी काफी प्रचलित था उस समय, हंटिंग और गैदरिंग बोथ, अगर कंबाइंड वर्ड में कहें तो वो लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, ठीक है, गैदरर्स। ठीक है, चलो मैं आपको सबसे पहले तो नर्मदा दिखा देता हूँ, मैप पहले चलता हूँ आपको, नर्मदा कहाँ है दिखा देता हूँ। तो देखिए नर्मदा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भारत का मैप है, भारत का नहीं इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट का मैप है, फिजिकल मैप। सब कॉन्टिनेंट से मेरा मतलब, मैं सब कॉन्टिनेंट अगर बोलूँ तो अभी प्रेजेंट डे में भारत, देखो यहाँ पे पाकिस्तान भी दिख रहा है, देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब कंट्रियाँ मिला के सब कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, सब कॉन्टिनेंट इनको कहते हैं, बिकॉज ये हालांकि कॉन्टिनेंट तो नहीं है लेकिन इतना बड़ा साइज है इनका कि इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को इतना बड़ा साइज है इसका कि इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट आपको समझ में आया होगा, प्रेजेंट डे भारत, पाकिस्तान, ये सब मिला के सब कॉन्टिनेंट, इनफैक्ट अफगानिस्तान, इधर थोड़ा सा ईरान, ये सब मिल के बनते थे सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम बेसिकली बात कर रहे थे कि लोग कहाँ रहते थे शुरू में, तो नर्मदा के किनारे, ये नर्मदा जो रिवर है, इस रिवर के, ये रिवर है, ठीक है, ये जब नर्मदा रिवर है, ठीक है, इससे मैं दिखा देता हूँ, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो है, ये नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर के किनारे किनारे लोग रहते थे, ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरी भी हुआ करती थी नर्मदा और इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी वैसी नदियाँ होती हैं जो छोटी नदियाँ होती हैं और बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरी और नर्मदा के आसपास लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से पुराने पेज पर चलते हैं। ठीक है, चलो, तो हमने ये देख लिया, हंटिंग करते थे ये, गैदरर्स थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। साथ में एक और मैं अभी आपको जगह दिखाऊंगा जिसका नाम है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। यहाँ पे लोग पहली बार कोई क्रॉप्स उगाना शुरू किया, लोगों ने क्रॉप उगाना पहली बार लोगों ने शुरू किया यहाँ इस जगह पे, इसलिए फेमस हो जाता है। ये जगह पे वीट और बार्ले का अवशेष मिला, जो हमने अवशेष पाया उसके हिसाब से ये पता चलता है कि यहाँ पे सबसे पहले वीट और बार्ले उगाया गया था, सुलेमान एंड किर्थर हिल। आपको याद होना चाहिए ये 8000 साल पुरानी बात है, 8000 साल पुरानी, आज से अगर 2000 से पीछे जाए तो 2000 तो ये ही एक तक पहुंचोगे, फिर उससे भी 6000 पीछे, यानी कि टोटल 8000 साल पहले यहाँ पे वीट और बार्ली उगाया जाता था। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स, ऐसे लोग जो ये सुलेमान और किर्थर हिल में रहते थे वो एनिमल्स भी पालते थे, जैसे कि सीप, गोट, कैटल, एंड ये लोग विलेज में रहते थे, विलेज उस समय हुआ करते थे, ये लोग विलेज में रहते थे, बहुत पुरानी बात, 8000 साल पुरानी बात। ठीक है, अब चलो मैं आपको इसको मैप पे दिखा देता हूँ। मैप पे देखो सुलेमान ये रहा और किर्थर, ये सब हिल रेंज है, ये जो है ना सुलेमान और किर्थर, ये हिल रेंज है, इसी एरिया में समय वीट और बार्ली पहली बार उगाया गया था, वीट और बार्ली, और यहाँ पे लोग एनिमल रियरिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दिया, लोगों ने विलेज में रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मैप से समझोगे तो बड़ी आसानी समझ में आएगी, इसलिए मैंने मैप भी इसमें इंक्लूड कर दिया, पूरा एनसीईआरटी में कवर करूंगा। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक करते रहो और लोगों में भी शेयर करो ताकि सबको बराबर बेनिफिट मिले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमने सुलेमान और किर्थर हिल की बात कर ली है, अब हम देखते हैं गारो हिल। गारो हिल जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पे और साथ में विंध्या जो कि सेंट्रल इंडिया में है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, यही वो रीजन है गारो हिल नॉर्थ ईस्ट में और विंध्या सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर की गई थी और एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप हुआ था। यहाँ पे राइस, राइस की बात करें सबसे पहले कहाँ ग्रो किया गया था, तो राइस नॉर्थ ऑफ विंध्या, विंध्या जो है, विंध्या में दिखाऊंगा अभी आपको मैप पे, इसके नॉर्थ में राइस ग्रो की गई थी। और रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे 47 साल पहले सिटीज फ्लोरिश की थी, यहाँ पे 4700 साल पहले सिटीज फ्लोरिश। अब सारे को मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ ताकि वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखो सबसे पहले हमने गारो हिल की बात की थी, ये रहा गारो हिल नॉर्थ ईस्ट में, गारो हिल ये, यहाँ पे क्या मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शुरू हो गए थे, एग्रीकल्चर खेती में लोग जुड़ गए थे। नर्मदा, विंध्या और गारो हिल, विंध्या सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, ये पार्ट सेंट्रल इंडिया का है। ठीक है, इसको दिखा देता हूँ, विंध्या और गारो हिल, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करने लग गए थे। साथ में मैंने कुछ और आपको बताया था, जैसे कि इंडस 4700 साल पहले
इंडस रिवर के आसपास एक वैली और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास एक सिविलाइज्ड यू नो सिविलाइजेशन एक वहाँ पे देखा गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको कहते हैं, वहाँ पे लोग रहते थे। तो वो इंडस रिवर देखो कहाँ पे है, ये है इंडस रिवर, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ये इंडस रिवर है। इसकी ये सहायक नदियाँ पंचनाद जिसको बोलते हैं, सहायक नदियाँ मतलब ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये इसमें आगे मिलती हैं। ये पूरे सिस्टम के आसपास यहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन 4700 साल पहले थी, ठीक है, 4700 साल पहले की बात है ये। एनीवे चलते हैं, तो रिवर इंडस ट्रिब्यूटरी मैंने बता दिया आपको। राइस का मैंने अगेन जो अपना विंध्या दिखाया था उसके नॉर्थ में राइस ग्रो किया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2500 साल पहले गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी के आसपास लोग बसना शुरू हो गए थे 2500 साल पहले, ठीक है, और सी कोस्ट के आसपास भी लोग बसना शुरू हो गए थे। तो ये तो मैंने आपको एक 4700 साल पहले वाली बताई थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी थी। बाद में जो आर्यन आए थे वो आपको हायर क्लास में जाओगे तो अच्छे डिटेल के साथ मिलेगा, अभी इतना ही समझो मैप पे। ये जरूरी एक सिक्वेंशियल वे में पढ़ने का तरीका है, मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा। तो 2500 साल पहले गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे लोग बसना शुरू हो गए थे, साथ में ऐसा भी देखा गया कि सी कोस्ट के आसपास भी लोग बस रहे हैं। तो ये भी देख लो मैप पे, देखो गंगा रिवर, देखो ये रही गंगा रिवर, ये रही गंगा और इसकी सहायक नदियाँ कई सारी हैं, सोन, इसमें सोन ही दिखा रखा, बाकी और भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, हालांकि वो ज्योग्राफी का पार्ट है। एनीवे बस ये समझो कि इस नदी और इसके सहायक नदियों के किनारे किनारे लोग बसना शुरू हो गए थे, बेसिकली वो आर्यंस गंगा नदी में आके बसना, और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था लोहे को यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है, लोहा का आविष्कार, लोहा का यू नो खोज इन्हीं को माना जाता है, लोहा का यूज इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लोहा आयरन, ठीक है, तो आयरन एज भी उसी समय स्टार्ट हुआ था। एनीवे वो सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो इस वैली में भी इतना जानो कि 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, मतलब आज से 2500 साल पहले कितना हो जाएगा, अभी तो 2000 मान लो, अगर अभी प्रेजेंट तो 2000 के भी 2500 साल पहले यहाँ पे लोग बसना शुरू हो गए थे। और आज भी ये एरिया कितना डेंसली पॉपुलेटेड है आपको पता है, यूपी बिहार ये सब इस एरिया में आता है और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया है। एनीवे चलो फिर से चलते हैं अपने उसी पेज पे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। गंगा और सोन अभी मैंने दिखाया था आपको, इसके साउथ में, साउथ ऑफ गंगा एक बहुत बड़ा किंगडम था, किंगडम, ठीक है, लार्ज किंगडम जिसको मगध कहा जाता था। मगध के रूलर्स बहुत पावरफुल हुआ करते थे, जैसे अशोक, अशोक एक बड़ा नाम है, मगध के रूलर थे समुद्रगुप्त, ठीक है, कई रूलर हुए मगध में, मगध के रूलर बहुत स्ट्रॉन्ग, बिंबिसार, बिंदुसार, कई लोग मगध के रूलर रहे, सब उसके बारे में जब डायनेस्टी पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चिंता की बात नहीं। अभी इतना जानो कि मगध एक जगह है, कहाँ पे है, तो गंगा और सोन के साउथ में, सोन नदी और गंगा नदी जो है बेसिकली गंगा के साउथ में है मगध किंगडम, और वहाँ पे था हुआ करता था, ऐसा नहीं है, ये बेसिकली रूल किया जाता था बहुत पावरफुल राजाओं के द्वारा, एक लार्ज किंगडम था, लार्ज किंगडम, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ आपको मैप पर, तो दिस इज मगधा गंगा के साउथ में, दिस रीजन इज बेसिकली यहाँ पे ये वाला रीजन है मगध, ये रीजन मगध का रीजन कहलाता है, ठीक है, और इस रीजन में बहुत ही लार्ज किंगडम हुए, बड़े बड़े शासक हुए यहाँ पे, जैसे कि बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, उदाइन, खुद अशोक, काला अशोक, कई सारे यहाँ पे शासक हुए। एनीवे आगे बढ़ते हैं, साथ में अगला पॉइंट देखो, जनता जो थी उस समय के लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ट्रैवल करते थे, इनफैक्ट कॉन्टिनेंट से बाहर भी जाते थे ये लोग, तो इनको काफ़ी यू नो जब ट्रैवल करते थे दिक्कतें आती थी, बिकॉज हमारे कंट्री में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में उस समय हिल्स भी थे, अभी भी हैं, हाई माउंटेन्स थे, हिमालय जैसे एग्जाम्पल, डेजर्ट्स भी हैं, ठीक है, रिवर, सीज वगैरह सब क्रॉस करके भी लोग आते जाते थे, ट्रैवल करते थे, डेंजरस हुआ करता था,
तो भाई एक क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, लोग ट्रैवल क्यों करते थे, व्हाई द पीपल ट्रैवल्ड, तो भाई क्यों करते थे। तो सबसे पहले तो लिवलीहुड के सर्च में होता क्या था कि मान लो आप एक जगह पे रह रहे हो, वहाँ के रिसोर्सेज आप पूरे खत्म कर दिए, आप खा गए सब, खेती तो करते नहीं थे आप उस समय के लोग, खेती तो करते नहीं थे, तो जो पेड़ पौधे थे उसी को खाते थे, उसी के फल को खाएंगे, वो सब खत्म हो जाएगा, तो फिर इनको लिवलीहुड के चक्कर में वो जगह छोड़नी पड़ती थी। साथ में कई बार क्या होता था कि कई जगह रहते हैं वहाँ पे फ्लड आ गया, ड्रॉट्स आ गए, सूखा आ गया, वैसे जगह में अगेन इनका राशन पानी सब खत्म हो जाता, तो वो लोग वहाँ से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, ड्रॉट से बचने के लिए भी ट्रैवल करते थे। कई लोग उस समय क्या है, आर्मी के पार्ट थे, तो आर्मी मार्च करती थी तो उस कारण से भी ट्रैवल करना पड़ता था। मर्चेंट्स भी उस समय हुआ करते थे जो कि अपने कारवां में चलते थे। कारवां क्या होता है, कारवां इनका एक झुंड जैसा होता था जिसमें अपने साज सामान के साथ पूरी अपनी मतलब जो इनका जिस वस्तु को बेचने जा रहे हैं उसको ले के बिल्कुल कारवां में चलते थे ये लोग। एंड ये लोग शिप में भी ट्रैवल करते थे, तो कई तरीके से ट्रैवलिंग होती थी लोगों के द्वारा। रिलीजियस टीचर्स भी आए जैसे कि वेन सांख्या, यान इत सिंह, कई लोग ऐसे आए भारत में, पुराने समय की बात कर रहा हूँ, तो रिलीजियस टीचर्स भी ट्रैवल करते थे। इनफैक्ट हमारे यहाँ के जो रिलीजियस टीचर थे जैसे कि महात्मा बुद्ध, देन जैन धर्म के लोग, ये सब ट्रैवल करते थे, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के टीचर्स जो थे लोगों में जाके अपना शेयर करते थे, आइडियाज को बताते थे लोगों के बीच में रुक रुक के, ठीक है। एंड द न्यू वे ऑफ, इससे क्या हुआ ना, जब लोग घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो इससे क्या था कि काफ़ी उनके जो कल्चर था उसमें इवोल्यूशन आया, उसमें चेंज आया, तो नए तरीके की यू नो स्टोन कार्विंग लोगों ने सीखी, नए तरीके से म्यूजिक कंपोज करना सीखा, इवन डिफरेंट फूड्स का इंटरमिंगल हुआ, डिफरेंट जगह के लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिले तो फूड का भी एक्सचेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत साल पुरानी ये सब हुई हैं और आज भी ये सब चीज़ होती रहती हैं, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ेंगे। सो द हिल्स माउंटेंस एंड सीज, those who wanted they also scaled those mountains and seas and they also crossed the seas, ठीक है। मतलब जो जिसको आना था, जैसे कि मैं बता दूं कि अपना जो मैप पे दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट मैप पे देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा हिल से डोमिनेटेड है और यहाँ से कई सारे आक्रमण होते थे हमारे कंट्री में, यहाँ से लोग घुसते थे, यहाँ से कई सारे विदेशी आक्रमणकारी यहाँ से घुसे हैं भारत में। तो डिस्पाइट ये इतना डिफिकल्ट टेरेन होने के बाद भी यहाँ पे स्केलिंग हुआ है और इसको स्केल किया गया, इन माउंटेन्स को आक्रमणकारियों ने यहाँ पे इससे घुस के आक्रमण किया है, सीज को भी क्रॉस करके भारत लोग आए हैं, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। एनीवे ये देखो भारत है, भारत के इस साइड में, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, याद रखना हमेशा, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैप ऑफ साउथ एशिया। अगर देखोगे मैप ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का मैप अगर देखोगे तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें भारत है, उसी में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, साथ में नेबरिंग कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये सब कंट्रियाँ मिल के मैप ऑफ साउथ एशिया बनता है। कोई पूछे आपसे साउथ एशिया के मैप में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो ये याद कर लेना, ये तो है ही, आपको पता है ही, साउथ एशिया में आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये तो कोई भी अंधा भी बता देगा, अफगानिस्तान भी आपको ऐड कर लेना, ईरान, चाइना और म्यांमार, ठीक है, ये सब कंट्रियाँ साउथ एशिया में आती हैं। आगे बढ़ेंगे। सब कॉन्टिनेंट से मेरा क्या मतलब था, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, इट इज़ ए स्मॉलर, इट इज़ बेसिकली साइज वाइज इट इज़ स्मॉलर देन द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा है ये, एक कंट्री जैसा नहीं, ये काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट बोला गया। बेसिकली इट इज़ सेपरेटेड, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाई सीज एंड हिल्स एंड माउंटेन्स। अगेन मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पे, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है देखो, इधर माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन, यहाँ पे आप, सॉरी, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन दिख रहा है, रेंज पूरा ये हिमालयन रेंज से कवर है, सीज भी है आपको दिख रहा है, ये अरेबियन सी है ना, ये सब सेपरेट करता है हमें, हमारे कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको,
रेस्ट ऑफ एशिया से, एशिया तो बहुत बड़ा है ना, उससे इसको अलग करता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो देखो बात कर लेते हैं नाम कैसे पड़ा हमारी कंट्री का नाम। दो नाम से जानते हैं हम, इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं, आज के डेट में हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं एनीवे, लेकिन बेसिकली भारत और इंडिया ही हमारा मतलब नाम है जो हमने एक्सेप्ट किया है। दो नाम से जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। आर्टिकल वन पढ़ोगे तो इट बेसिकली इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स ऐसे कर लिखा गया है ना। तो इंडिया और भारत दो ही नाम है जो हमारी कंट्री को बेसिकली इसे सूचित किया जाता है, वैसे हिंदुस्तान भी है। तो इस नाम के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे पड़ा ये नाम? तो बेसिकली इंडिया जो है, इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो ये ईरानियों ने इसका नाम इंडिया बोला। जब ईरानी बेसिकली ईरानी जो थे, यहाँ पे देखो ईरानी जब भारत की तरफ आए, इधर आते थे, तो उन्होंने देखा कि एक रिवर है इंडस रिवर। इंडस रिवर के वजह से इन्होंने कहा कि इसके इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोग, ईस्ट में ऐसे रिवर थी ना, ईस्ट में इस साइड रहने वाले लोग हिंदूज या फिर इंडोज हैं, और ये जो लैंड है ईस्ट, इसके ईस्ट में इस लैंड को पूरा इंडिया कहा जाता है। और ये एक बेसिकली इंडस का जो है संस्कृत में नाम सिंधु रखा गया है। फिर से मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ, वहाँ पे बेटर समझ में आएगा आपको। ये देखो ईरान समझ यहाँ पे है, ठीक है, ईरान समझ यहाँ पे है। ईरानियन ने इस इंडस रिवर के ईस्ट वाले लोगों को हिंदूज या फिर इंडोज कहा, और इसी इंडस का नाम संस्कृत में सिंधु होता है, सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी जिसको कहते हैं। तो ईरानियन पे आते हैं, फिर से ईरानियन ने कहा कि इस इधर के लोग जो है हिंदूज हैं या फिर इंडोज हैं, ये इन्होंने कहा। और बोला कि ये जो लैंड है ना इधर से इधर का, इस रिवर के ईस्ट का जो ये लैंड है, ये पूरा लैंड इंडिया है, ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे कि भारत कैसे पड़ा, भारत कैसे नाम पड़ा, ये देखो। चलो तो भारत कैसे पड़ा, भारत क्या था पुराने समय में, हमारे ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते थे उनको भारत, भारत कहा जाता था। ए ग्रुप ऑफ पीपल वे कॉल्ड भारत, एक तरीके की एक ग्रुप थी लोगों की, उनको भारत कहा जाता था, जो कि रहते थे ये लोग नॉर्थ वेस्ट ऑफ आवर कंट्री, नॉर्थ वेस्ट हमारे कंट्री में रहते थे। इनका मेंशन ऋग्वेदा में भी मिलता है, ऋग्वेदा एक अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, हमारे वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में है, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसका इसकी रचना माना जाता है कि 3500 साल पहले ये ऋग्वेद की रचना हुई थी, आज से 3500, मतलब कि अगर बीसी में कहूँ तो 1500 बीसी। बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह थे ना, ईसा मसीह के जिनको क्रिश्चियनिटी का जन्म माना जाता है, उनका जन्म एक माना जाता है, और इससे पहले के डेट को माना जाता है बीसी में। अब मैं अगर कहूँ 100 बीसी, तो मतलब इनके जन्म से 100 साल पहले, ठीक है, और इनके इनके बाद के समय को कहा जाता है एडी, दैट इज कॉल्ड एनो डोमिनी, एनो डोमिनी बोलते हैं इसको, ये भी आगे मैंने बना रखा है, इसको भी समझा दूंगा। एनीवे तो ठीक है, तो कहने का मतलब 3500 साल पहले आज से, आज अगर मान लो 2020 है तो आज 3500 साल पहले चले जाओ, 2020 है 21 है, 3500 साल पहले चले जाओ, तब ये ऋग्वेदा का यू नो कंपोजिशन हुआ था, और उसमें ही भारता मेंशन है। भारता किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो उस समय रहते थे नॉर्थ वेस्ट ऑफ आवर कंट्री में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें कि हमारे पास्ट को हम कैसे पता करते हैं, क्या सोर्सेज हैं, कैसे पता करते हैं, तो बेसिकली सोर्स कुछ बुक्स हैं जो कि रिटन गए थे, लिखे गए थे बहुत साल पहले, लॉन्ग अगो, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इनको। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब यह है वैसी चीज़ जो हाथ के द्वारा लिखी जाए, वैसी चीज़ जो हाथ से लिखी गई हो, टाइपराइटर से नहीं, किसी और तरीके से नहीं, लिखने का एक हाथ से तरीका, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत पुराने समय में जब बुक्स लिखी गई थी उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, तो ये हमारे हिस्ट्री को जानने का सोर्स मिलता है, ठीक है। देन ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे ये पाम लीफ पे लिखे गए थे, पाम लीफ और बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, पाम लीफ और बार्क ऑफ ट्री, दैट इज कॉल्ड बर्च। बर्च एक ऐसा पौधा है जो पाम बार्क ऑफ ट्री जो कि जिसको बर्च कहते हैं, बर्च पाया जाता है हिमालय में, हिमालय में, ठीक है। तो मैं आपको मैन्युस्क्रिप्ट की एक फोटो दिखा देता हूँ, सी दिस इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, ये एक पाम लीफ पे लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथ के द्वारा ये लिखी गई एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, इसे ही मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये हमारा सोर्स बना हमारे पास्ट को जानने का, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा
मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा तो कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, कई सारे बचे नहीं हमारे पास, एक्चुअली कीड़े मकोड़े खा गए, दे वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, बट कुछ है जो सर्वाइव है, अभी भी बचे हैं हमारे पास, जो कि कई सारे रखे गए हैं मंदिरों में, ठीक है, और कई सारे को प्रिजर्व किया गया है हमारे कंट्री के द्वारा, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स जो है इनमें क्या क्या लिखा जाता था, तो इनमें रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, लाइफ ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस, ये सब सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देर वेर ऑल्सो एपिक्स, एपिक्स जैसे महाभारत, महाभारत एक एपिक है, ठीक है, महाकाव्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, महाकाव्य ये किसी की रचना होती है, ठीक है, ये रचना थी वेद व्यास और यू नो रामायण, रामायण और महाभारत ये दोनों हमारे एपिक्स हैं, ठीक है। खैर इनके बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा आगे, तो एपिक्स के जरिए भी हम अपने पास्ट को जानते हैं, पोएम्स, प्ले जो कि संस्कृत में हुआ करती थी मोस्टली, इसके अलावा प्रकृत लैंग्वेज में भी कई सारे पोएम्स, प्लेज वगैरह मिले हैं। प्राकृत लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज था जो कि ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा समझा जा सकता था, ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा तमिल लैंग्वेज में भी कई सारे हमें संगम लिटरेचर जो है, संगम लिटरेचर जो है वो तमिल में ही है, ठीक है, तो वहां से भी हमें पता चलता है हमारे पास्ट के बारे में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं, इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन वेर बेसिकली स्टोन और मेटल पे लिखे जाने वाले, इंस्क्राइब किए जाने वाले प्रोसेस को इंक्रिप्शन बोलते हैं। अब देखो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट बोला कि हाथ के द्वारा लिखी गई पाम लिख पे चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, पाम पे लिखी जाती थी उस समय, हालांकि आप पेपर पे भी लिखते हो वो भी मैन्युस्क्रिप्ट ही होगा। इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग सरफेस पे लिखा जाने वाला या फिर इंस्क्राइब किया जाने वाला सेंटेंस होता है, उसको इंक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जनरली जो उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे कि अशोक, अशोक के कई सारे इंक्रिप्शन मिले हैं। वो इंक्रिप्शन में क्या लिखा जाता था उस समय, उस समय इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे, ताकि ऑर्डर्स लिखे जाते थे, ताकि मतलब आम जनता जो आते जाते उस स्टोन से या फिर मेटल के कोई पोर्शन है वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उसे फॉलो करे, रीड एंड ओबे देम, ठीक है। साथ में विक्ट्रीज वगैरह भी जो होती थी पुराने राजाओं की, वो सब भी इंस्क्राइब किया जाता था स्टोन वाले यू नो पिलर्स वगैरह पे, इसको इंस्क्राइब किया जाता था। तो इंस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग सरफेस पे, मैन्युस्क्रिप्ट पेपर पे, पाम लिख के पेपर वगैरह पे, मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से द्वारा लिखी गई चीजें मैन्युस्क्रिप्ट, और किसी स्ट्रॉन्ग सर्फेस पे इंस्क्राइब कई चीजों को इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सोर्स और है हमारे पास्ट के बारे में जानने का, वो सोर्स है जो पुराने समय में जो मटेरियल्स, जो कुछ वस्तुएं मिलती थी हमें, कुछ चीजें होती थी, बर्तन वगैरह या फिर पॉट्स, पैंस, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स, क्वाइंस, ये सब चीजें हमें जो मिली है जब हम खुदाई करते हैं एक्सकवेशन में या फिर एक्सप्लोरेशन में जो ये चीजें मिलती हैं, उनको भी हम जो है स्टडी करते हैं। वो लोग जो उस वैसी चीजों को स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो जो भी चीज़ें पुराने समय में मिली उसकी स्टडी हुई, उनको आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है उससे भी हमारे पास्ट को पता चलता है। सो अदर थिंग्स सच एज बेसिकली वीपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स एक्सेट्रा मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट एंड दोज थिंग्स वेयर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग के रिमेन को के बारे में जानना, पेंटिंग्स स्कल्पचर को अनरावल करना, ये लाइक डिटेक्टिव हुआ करते थे ये लोग, मतलब इससे पता लगाते थे कि अच्छा ये समय वो सामान मिला है, उस समय में ये सामान मिला है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी कि पॉट मिला है तो लोग भाई पॉट में खाना रखते होंगे, कुछ पानी लाने के यूज होता तो होगा, क्या कल्चर, इससे अपना इन्फ्रेंस निकालना, ये काम होता है एक आर्कियोलॉजिस्ट का। जो भी साक्ष मिले उससे कुछ ना कुछ पता लगाना कि क्या हुआ, क्या कैसे यूज होता होगा, विपन्स इतने शार्प हैं तो क्या इससे मारा जाता होगा या फिर किस काम आता होगा, ये एग्जैक्टली इनको मतलब बेसिकली अपने इन्फ्लुएंस से ही पता करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो बेसिकली ये सब स्टोन के बने होते थे, बोन के या फिर बेक्ड क्ले या फिर मेटल वगैरह के बने होते थे।
कुछ बोन्स जो थे वो एनिमल के, बर्ड के, फिश के भी पाए गए हैं, जिससे भी पता चलता है कि भाई लोग क्या मतलब एनिमल कौन कौन सा, कौन कौन से एनिमल के बारे में लोग जानते थे, कौन से बर्ड्स थे उस समय, फिश कौन कौन से थे, है ना। तो मतलब लोग फिश भी खाते थे क्या उस समय, इससे काफी सारी चीजें पता चलती है। प्लांट के भी रिमेन से पता चलता था कि लोग प्लांट क्या करते थे, कौन सा प्लांट ग्रो करते थे, सीड्स के रिमेन जैसे कि या फिर जो कई जगह तो पीसेस ऑफ वुड जले हुए मिले हैं चेयर्ड फॉर्म में, चेयर्ड मतलब राख के फॉर्म में कई जगह वुड भी जले हुए मिले हैं। तो इनसे भी काफी सारा इन्फ्रेंस लिया जाता है। बेसिकली मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ कि ये सोर्स पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसको आर्कियोलॉजिस्ट इसको सोर्स की तरफ कहते हैं। वर्ड जो सोर्स है उसका मतलब है कि मैन्युस्क्रिप्ट भी एक सोर्स हो सकता है, इंस्क्रिप्शन भी एक सोर्स हो सकता है, या फिर आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो भी सोर्स हो सकता है हिस्ट्री को जानने का। आगे बढ़ेंगे तो भाई हमारा क्या एक पास्ट था या फिर कई सारे पास्ट थे। अब देखो हमारे बुक का जो बुक हम कवर कर रहे हैं आवर पास्ट, यहाँ पे हमने पास्ट नहीं लिखा, इसको लिखा है पास्ट। ये क्यों लिखा है, ये हमने प्लूरल क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन ये है कि बिकॉज जो हमारे हिस्ट्री था ना उस समय डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हिस्ट्री था। मान लो कोई राजा है, कोई किंग है, तो उसकी कहानी बिल्कुल मैच नहीं करेगी एक उस समय के हंटर गैदरर्स से, या फिर उस समय का जो एक मान लो कोई उस समय का आर्टिसन, उससे क्या उस राजा की कहानी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको आवर पास्ट कहा, बिकॉज डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट लोगों का पास्ट डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हमारे बुक का नाम यहाँ पे पास्ट है। ये बात आई हो कि आपको समझ में आई होगी। अगला है मोस्ट पीपल, ये डिफरेंस की बात देखो, आज भी मोस्ट पीपल जो अंडमान में आइलैंड में रहते हैं वो अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं, खाना खुद वो प्रिपेयर करते हैं, इनफैक्ट वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, कई सारे तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। वो लोग डिपेंडेंट नहीं है कि राइस खरीदेंगे, दाल खरीदेंगे, फिशिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करेंगे और आज भी वो ऐसे रहते हैं। और आप अगर दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में लोग ये क्या फिशिंग करने जाते हैं, हंटिंग करने जाते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करने जाते हैं, नहीं जाते हैं। हमारे पास क्या है, पैसा दो सामान खरीदो और खाओ पियो, ये वाला सिस्टम है। तो आज भी हमारा पास्ट अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आगे कोई हमारा पास्ट लिखेगा तो हमारा दिल्ली वालों का पास्ट अलग हो सकता है, अंडमान वालों का पास्ट अलग हो जाएगा, इसलिए इस बुक का भी नाम पास्ट रखा गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो डिफरेंसेस उस समय और भी थे, जैसे किंग्स के जो बैटल्स वगैरह होते थे वो क्या है ना, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड अपने रखते थे कि भाई मैं ये जंग जीता, उसका रिकॉर्ड रख लिया। जैसे कि एक अच्छा एग्जाम्पल अशोक का, एक अच्छा एग्जाम्पल समुद्रगुप्त का, अशोक के पिलर्स आपने सुना होगा, अशोक के स्तंभ आपने सुना होगा, वहां पे क्या है लिखा गया है कौन सा बैटल जीता, या फिर कई सारी चीजें उसमें इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो किंग का तो पता कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो हुआ करता था उस समय, ऑर्डिनरी पीपल, उसका तो कुछ कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। उसका इंफॉर्मेशन हम ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेज होते हैं उससे पता करते हैं। ये लोग कौन से थे, हंटर्स हो सकते थे, फिशिंग फॉक्स हो सकते थे, गैदरर्स, फार्मर्स, या फिर हर्डर्स, ठीक है। ये लोग रिकॉर्ड नहीं रखते थे, तो इनका पास्ट का पता लगाना बहुत ही चैलेंजिंग है, और आज भी कई सारी नई नई बातें पता चलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो हालांकि मैंने आपको डेट का तो बता ही दिया था, एनीवे फिर से बता देता हूँ, व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब है, डेट से क्या है मतलब है? डेट का मतलब यहाँ पे इस पूरे बुक में यूज किया जाएगा। आज अगर मान लो 2000 है, अगर 2020 है, तो इससे पहले जितने साल पहले जाओगे, जैसे मैंने बोला था ना 4700 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमारे कंट्री में, 2500 साल पहले आज से हमारे गंगा के किनारे शहरें बसनी शुरू हो गई थी, लोग बसने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो डेट की बात करें स्पेसिफिकली, तो जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म होता है उसको एक माना, जीरो मान लो, और यहाँ से अगर पीछे जाओगे इनके इससे पहले की बात करोगे तो उसको BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट इसको बोलते हैं। और इससे आगे जाओगे तो उसको AD बोलते हैं, या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। तो BC हो गया बिफोर क्राइस्ट, AD हो गया एनो डोमिनी, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद,
सी भी कई जगह यूज किया जाता है एडी के जगह पे, एडी के जगह पे सी यूज किया जाता है, सेम मतलब निकलता है, कॉमन ही रहा, ठीक है। और बीसी यूज किया जाता है, बीसी यूज किया जाता है बीसी के जगह पे कई जगह, तो घबराना नहीं, जहां पे बीसी मिले उसको बीसी समझना, बिफोर क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म देख लो, बिफोर कॉमन ही रहा है वैसे, लेकिन ये बीसी इज इक्वल टू बीसी, इसका मतलब कि जो बिफोर कॉमन ही रहा है वो बिफोर क्राइस्ट ही है, ठीक है, बात समझ में आई। और एडी इज इक्वल टू सी, ये बात समझ लेना, कई जगह आपको मिल सकता है, लेकिन इस बुक में, इस बुक में सिंपल रेफरेंस लिया गया है 2000 से पहले के साल जोड़े गए, तो एक बार मैंने बोला था 8000 साल पहले, ठीक है, सुलेमान रेंज, किथु रेंज में क्या क्या मिला था ये कमेंट करके बता दो, क्या मिला था, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने बोला था कि 2500 साल पहले गंगा में क्या मिला था, क्या देखा गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए, 4700 साल पहले क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट, अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिसाइफरमेंट की, ये एल्सवेयर क्या चल रहा था उसकी बात कर लेते हैं, एल्सवेयर मतलब हमारी कंट्री में तो ये सब हो ही रहा था, देखा गया था, लेकिन उसी दौरान 4700 के आसपास, 5000 साल पहले के आसपास बाकी जगह क्या हो रहा था, तो इजिप्ट एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका जो ऐसे देखोगे ना, अफ्रीका कुछ ऐसी मान लो एक कंटिनेंट बना देता हूँ रफली, एक कंटिनेंट, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अफ्रीका में यहाँ पे समवेयर इजिप्ट है, और इजिप्ट में 5000 साल पहले किंग्स और क्वींस हुआ करते थे, वहाँ पे एक स्क्रिप्ट भी यूज हुआ करता था, ठीक है। रोजेटा एक शहर है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में वहाँ पे एक स्टोन पाया गया, वहाँ पे स्टोन पाया गया है, उस पर इंस्क्रिप्ट कुछ वर्ड्स लिखे गए, इंस्क्राइब किए गए हैं, वो तीन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स में, तीन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, अब देखो कोई भी भाषा होती है ना उसका एक स्क्रिप्ट भी होता है, तो घबराना नहीं, लैंग्वेज का, लैंग्वेज अगर होगा तो स्क्रिप्ट भी होगा उसका, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी, ठीक है, बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो वहाँ पे तीन लैंग्वेजेज इन स्क्रिप्ट में वो लिखा गया था, ग्रीक में और दो अदर फॉर्म ऑफ इजिप्टियन, तो फिर कैसे इसको डिसाइफर किया गया, कैसे पता लगाया गया कि क्या लिखा गया, तो जो एक कुछ लोग थे जो ग्रीक पढ़ना जानते थे, उन्होंने ग्रीक में पढ़ लिया, उन्होंने क्या किया, ग्रीक वाले शब्द को इजिप्टियन वाले शब्द से मिलाना शुरू किया, साइड बाई साइड रख के, बोला अच्छा दो एक ही चीज़ को तीन तीन बार लिखा गया है, तीन अलग अलग लैंग्वेज स्क्रिप्ट में, तो साइड बाय साइड रख के मिलाना शुरू किया, अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इन्होंने देखा कि लायन जो है, जैसे यहाँ पे लायन है ना, ये स्टैंड कर रहा है एल के लिए, और बर्ड स्टैंड कर रहा है ए के लिए, तो इस ऐसे करके इन्होंने एक भाषा को डिसाइफर किया था उस समय ग्रीक वालों ने, ठीक है, ग्रीक इजिप्ट में ये सब हुआ था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई, दैट्स ऑल, इस वीडियो से इतना ही, चैप्टर वन यहाँ पे कंप्लीट किया हमने, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने आपको, इसको एक दो बार देखना, और नोट भी दे दूंगा मैं आपको, इस पूरा जो छठा जो छठी क्लास का जो बुक है इसका कंप्लीट होते ही सारे चैप्टर के मैं आपको नोट दे दूंगा, तो नोट सब रिवाइज करते रहना, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार।